हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधिका, योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश में वैल्यू एजुकेशन के मैंने आपके 3 चैप्टर करा दिए हैं। अब मैं आपका 1/4 चैप्टर और कराऊंगी, तो 5th वाला मैं आपको कराऊंगी नहीं, उसके लिए मैं 6th चैप्टर करा रही हूँ आपको, तो वो देख लीजिए। 6th चैप्टर है मेक अ डिफरेंस। यू माइट नॉट बी एबल टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड, बट एटलीस्ट यू कैन चेंज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट फॉर समवन। योर स्मॉल एफर्ट मे मेक अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस टू दैट समवन। देखो, हम जो है कोई ये नहीं है, हम इतने काबिल नहीं है कि हम पूरी दुनिया को बदल सकें, उसमें बदलाव ला सकें, लेकिन हमारे अंदर इतने तो काबिल हो सकते हैं कि हम थोड़ा सा, है ना, थोड़े से पार्ट में हम उस जगह पर चेंज ले आए, क्योंकि हमारा जो थोड़ा सा ही जो हमारा प्रयास होता है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है किसी की लाइफ में, किसी के लिए। ठीक है, लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय हु मेड अ बिग डिफरेंस टू द लाइव्स ऑफ अ फ्यू स्टारफिश। चलिए, अब ये जो मिस्टर हूट हैं, ये यहाँ पर एक और स्टोरी बताएंगे हमें एक छोटे से लड़के की, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस ले आता है किसमें, स्टारफिश जो होती है, कुछ स्टारफिश की लाइफ में, उनकी जो कुछ जो तारा मछली होती हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा वो डिफरेंस ले आते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है, मेक अ डिफरेंस। Once upon a time, there was an old man who used to go to the ocean to do his writing. He had a habit of walking on the beach every morning before he began his work. देखो, एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था जिसको आदत थी कहाँ पर जाने की, ओशन में जाने की। वो सागर के, मतलब सागर किनारे जाया करते थे और वहाँ पर क्या किया करते थे, राइटिंग किया करते थे, मतलब उनको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और वो जो थे, उनकी एक और भी आदत थी, वो क्या थी, जो बीच थी वहाँ की, जो समुद्र पे जो बीच था, वो वहाँ पर क्या करते थे, हर सुबह को वो, उनको वहाँ जाना पसंद था और वो वहाँ पर टहलकदमी किया करते थे। ठीक है, अपना काम शुरू करने से पहले, मतलब अपनी जो राइटिंग का वो जो वर्क करते थे उससे पहले वो क्या करते थे, वहाँ पर थोड़ा टहल लिया करते थे। अर्ली वन मॉर्निंग ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द शोर आफ्टर अ बिग स्टॉर्म हैड past and found the vast beach littered with starfish as far as the eye could see stretching in both direction. देखिए, एक बार बहुत जल्दी सुबह में उन्होंने क्या देखा, जब वो कि उस किनारे पर, मतलब समुद्र के उस किनारे पर वो जो थे वहाँ पर चहलकदमी करने के लिए जब आए, तो उससे पहले क्या हुआ था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो था, एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था। ठीक है, वहाँ से हो, मतलब तूफ़ान आया था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी, तूफ़ान आने के बाद से क्या हुआ कि जो समुद्र का किनारा था वो पूरा जो था स्टार फिश से भरा हुआ था, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। देखो, पिक्चर में दिख रहा है कितनी सारी स्टार फिश यहाँ बाहर समुद्र के किनारे पर पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने देखा कि जो जहाँ तक भी उनकी निगाह जा रही थी, जहाँ तक भी जितनी जगह पर, जितनी दूर तक वो देख सकते थे, वहाँ पर जो थी स्टार फिश पूरी गिरी हुई थी, मतलब वहाँ पर पड़ी हुई थी, क्योंकि वो जब तूफ़ान आया था तो तूफ़ान से पानी से बहकर वो जो थी बहाव के साथ में वो पानी से बाहर आ गई थी, मतलब रेतीले जगह पर आ गई थी, रेत पर। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। इन द डिस्टेंस द ओल्ड मैन नोटिस्ड अ स्मॉल बॉय अप्रोचिंग एज द बॉय वॉक। ही पास्ड एवरी सो ऑफन एज द बॉय ग्रीव क्लोजर द मैन कुड सी दैट ही वॉज ओकेजनली बेंडिंग डाउन टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट एंड थ्रोइंग इट इन टू द सी। और कुछ दूरी से वो जो आदमी थे, जो ओल्ड मैन थे, उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक छोटा सा जो लड़का था वो वहाँ पर पहुँच रहा है, मतलब जहाँ स्टार फिश पड़े हुए हैं बहुत सारी, तो वहाँ पर वो जा रहा है और वहाँ पर चलकर आता है और फिर एक जगह पर वो रुक जाता है। और रुकने के बाद क्या करता है, थोड़ा सा क्या होता है, नीचे को झुकता है, वो देखता है और झुकने के बाद में एक चीज़ उठा रहा है। ठीक है, और फिर उसको उठाकर क्या कर रहा है, वो समुद्र में फेंक रहा है। तो वो बार बार वही चीज़ किया जा रहा था, मतलब एक बार आ रहा था वो, और फिर उसके बाद में, मतलब पहले थोड़ा झुकता था, फिर उस चीज़ को उठाता था और समुद्र में फेंक देता था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो कर क्या रहा था। चलिए देखिए, आप बाकी की जो नेक्स्ट है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी स्टोरी। आई होप अभी आपको समझ आया हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।